सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के मेला परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेलों का बेहतरीन माहौल बना है। हमारे खिलाड़ी खेल को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को हर संभव मदद देकर खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। भारत की हॉकी टीम ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का माध्यम तो है ही, सरकार की खेल और खिलाड़ियों के हित में बनाई गई नीति से यह भविष्य संवारने का भी सशक्त माध्यम बन गया है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकार यूपी पुलिस के साथ ही अन्य सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरी दे रही है। सरकार खेल और खिलाड़ियों के हित में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है, तो साथ ही खिलाड़ियों को पुरस्कार नियुक्ति और भरपूर आर्थिक सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रही है। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, कल आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने कल भाला फेंक कार्यक्रम में देश के लिए रजत पदक जीता है। भारत की हॉकी टीम ने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर खिलाड़ियों का मान बढ़ाते हुए, भारत का मान बढ़ाते हुए लगातार दूसरे ओलंपिक में फिर से मेडल प्राप्त किया है। याद करिए, जब आज से चार वर्ष पहले भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था, तो हम लोगों ने भारतीय ओलंपिक खेल खेलने वाले भारतीय हॉकी टीम के उन खिलाड़ियों का लखनऊ में सम्मान भी किया था, और उत्तर प्रदेश से लड़ने वाला भारतीय हॉकी टीम के साथ एक सदस्य के रूप में कार्य करने वाला खेलने वाला लड़का उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे नौकरी दी है। आपने देखा होगा भारत को फाइनल में पहुंचाने में उन्होंने कितने शानदार गोल किए थे, और कल भी उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी जो भारतीय हॉकी टीम का सदस्य है, राजकुमार, गाजीपुर में ही प्रशिक्षण लिया है, कानपुर का रहने वाला।